पौष्टिक पकवान किचन में आपका स्वागत है। यहाँ पर आप फ्रेंड्स एक सब्जी देख रहे हैं जो कि हमको सिर्फ बारिश के दिन में ही मिलती है, और ये सब्जी फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा हेल्दी है कि अगर आप इसको बनाकर खाएंगे तो आप काफ़ी हेल्दी होंगे, बहुत सारी बीमारियाँ आपसे दूर होंगी। इसको सब्जियों का राजा भी कहा जाता है, सबसे ज़्यादा हेल्दी इस सब्जी को माना गया है। और लेकिन ये सब्जी हमको सिर्फ बारिश के दिनों में ही मिलती है, तो आप इसको ज़रूर बनाकर खाइए। बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी सब्जी है ये। जब भी कोई सीज़न आता है ठंड गर्मी बरसात का, तो कुदरत ने हमको अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स और फ्रूट प्रोवाइड किए हैं, और बरसात के सीज़न में हमको ये एक बहुत ही हेल्दी सब्ज़ी प्रोवाइड की है फ्रेंड्स। तो आप ये ज़रूर बना के खाइए, खाने में काफ़ी लाजवाब है ये सब्ज़ी। और इसको आप कंकोड़ा बोल सकते हैं, किकोड़ा बोल सकते हैं, अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, और स्वीट करेला भी इसको बोलते हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा इसका नाम स्वीट करेला पसंद है, क्योंकि स्वीट करेला बोलते से ही समझने वाला समझ जाता है कि ये स्वीट है करेला, कड़वा नहीं है। तो जो लोग करेला खाना तो चाहते हैं लेकिन उसकी कड़वाहट के कारण उसको खाना पसंद नहीं करते हैं, तो वो ये स्वीट करेला बना के खा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हेल्दी भी है और टेस्ट में भी कड़वा नहीं है। तो आप इसको ज़रूर बना के खाइए फ्रेंड्स। इसको कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसको बनाने के लिए 250 ग्राम केकोड़े लिए हैं, और जब भी ये स्वीट करेला आप लें फ्रेंड्स तो इसको ताज़े ही बनाकर खाएं, क्योंकि आप इसको अगर 2-4 दिन भी रखेंगे तो फिर ये पकने लगते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि फ्रेश लाकर और इसको फ्रेश ही बनाएं, और जब भी लाएं तो आप इसको छोटे छोटे बिल्कुल हरे हरे कच्चे ही लेकर आएँ। छोटे छोटे से ये जो स्वीट करेला हैं ये टेस्ट में काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम स्वीट करेले ले लिए हैं फ्रेंड्स। इनको मैं अच्छे से वॉश करके और फिर कट करके आपको आगे की रेसिपी बताऊंगी। और यहाँ पर इसको कैसे कट करना है ये आपकी चॉइस के ऊपर है। आप इसको गोल गोल भी कट कर सकते हैं, आप इसको एक पीस में से 4 पीस भी कर सकते हैं, और आप इसको लंबे लंबे भी कट कर सकते हैं। इसके छिलके उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, ना इसमें नमक लगाने की ज़रूरत है, ये बिल्कुल कड़वे नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको लंबे लंबे स्लाइस में कट करूँगी और आगे की रेसिपी में आपको आगे बताऊँगी। तो ये देखिए करेले हमारे कट हो चुके हैं, और मैंने इनको लंबे लंबे स्लाइसेस में कट किया है जैसा कि मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर कुछ करेले इसमें से पके हुए, ये देखिए जो कि लाल वाले आपको दिख रहे हैं, इसमें से सिर्फ 4 करेले पके हुए निकले, तो वो मैंने अलग से हटा दिए हैं, 2-2 पीस में कट करके, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने रखे थे। इनको मैं हटा दूँगी, सब्ज़ी में इसमें नहीं डालूँगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं करेले मैंने लंबे कट किए, ना इनका छिलका निकाला ना ही इनके बीज निकाले, क्योंकि काफ़ी कच्चे थे। और जो पके हुए करेले ये मैं हटा दूँगी, लेकिन अगर आप पके हुए करेले भी इसमें डालना चाहते हैं तो पहले आप इनके बीज निकाल दें और फिर सब्ज़ी में डाल के बनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं हमारी सब्ज़ी हम। तो यहाँ पर मैंने प्याज भी आप देख रहे हैं कि लंबे लंबे स्लाइसेस में कट किए हैं, जैसे मैंने करेले कट किए हैं वैसे ही मैंने प्याज कट किए हैं। यहाँ पर मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं और 2 हरी मिर्चें लेकर कट कर लिए हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो बिना प्याज के भी आप इस सब्ज़ी को बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट में कड़वे नहीं हैं, तो बिना प्याज के भी सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बन जाती है। तो चलिए हमारी सब्ज़ी हम रेडी करते हैं। सब्ज़ी पकाने के लिए मैंने सरसों का तेल इसमें गर्म कर लिया है, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें अब हम मसाले ऐड कर देते हैं। जीरा 1 टीस्पून और सौंफ भी 1 टीस्पून, इसके बाद मैं इसमें हींग ऐड कर देती हूँ। तो जीरा और सौंफ अच्छे से सीख चुके हैं और राई भी अच्छे से सीख चुकी है, तो अब मैं इसमें प्याज और हरी मिर्च दोनों ही ऐड कर देती हूँ। प्याज को मैं अच्छे से भून लेती हूँ। ये जो हमारी सब्जियाँ हैं फ्रेंड्स, आप इनको देहाती सब्जियाँ भी बोल सकते हैं, तो ये जो हम ऑथेंटिक तरीके से बनाते हैं उसी तरीके से सब्जियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप इनमें फेर बदल करके मत बनाइए, आप इसको इसी तरह से कम मसालों में बनाइए, काफ़ी टेस्टी बनेगी। मान लीजिए इन सब्ज़ियों में जैसे गर्म मसाला, दही, टमाटर ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन अगर आप
डाल के आप बनाते हैं तो फिर इनका जो प्रॉपर टेस्ट है वो नहीं आ पाएगा। तो कोशिश करिए कि जो इनका ऑथेंटिक तरीका है उसी तरीके से आप इसको बनाएं। और करेले की रेसिपी पहले भी मैं चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, करेले बेसन के साथ, वो भी आप लोगों ने काफ़ी पसंद किए थे, तो उसकी लिंक भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी, तो वो भी आप चेकआउट करके देख सकते हैं। और ये जो मैं करेले बना रही हूँ फ्रेंड्स, स्वीट करेला, ये भी आप बेसन के साथ भी बना सकते हैं, सेम उसी रेसिपी से जो कि मैंने करेले अपने चैनल पर डाले हुए हैं। प्याज काफ़ी अच्छे से भुन चुके हैं, मिर्च भी अच्छे से भुन चुकी है, तो अब मैं इसमें करेले ऐड कर देती हूँ। मसाले हमको पहले नहीं डालने हैं तेल के अंदर, मसाले हमको बाद में इसमें ऐड करने हैं, क्योंकि कई सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं फ्रेंड्स कि हम मसाले ऊपर से डाल के जब बनाते हैं तो सब्ज़ियाँ ज़्यादा अच्छी बनती हैं। तो जैसा मैंने करेलों को प्याज को बहुत अच्छे से भूना है, उसी तरह से करेले को भी मैं थोड़ी देर अच्छे से भून लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो करेलों को भी मैंने इसमें अच्छे से भून लिया है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसमें मैं एक टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये सब्ज़ी थोड़ी स्पाइसी ही अच्छी लगती है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप लोग मिर्च कम खाते हैं तो फिर आप कम डालिए। यहाँ पर मैंने एक टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ली है, एक ही टेबल स्पून यहाँ पर मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है और 1/4 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने हल्दी ली है। आप चाहें तो पिसा हुआ गरम मसाला वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया ये सब्ज़ी सिंपल मसालों में ही बहुत अच्छी लगती है। और इनके छिलकों को भी उतारने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी जल्दी ये छिलके भी पक जाते हैं। एक टीस्पून यहाँ पर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। एक बार आप इस सब्ज़ी को बनाकर खाइए फ्रेंड्स, इस तरीके से काफ़ी अच्छी लगती है। आप अगर इसमें खटाई डालना चाहते हैं तो आप फिर इसमें अमचूर की खटाई डालिए, लेकिन टमाटर या दही वो आप इस सब्ज़ी में ऐड मत करिए। सब्ज़ी को मैंने काफ़ी अच्छे से भून लिया है, अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक के पका लेती हूँ। सब्ज़ी को मैंने चेक कर लिया था फ्रेंड्स और सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी है, ये देखिए। और जैसा कि आपको सब्ज़ी की रंगत से ही पता लग रहा होगा कि सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनी है, बहुत जल्दी पक के रेडी हो जाती है, सब्ज़ी को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये देखिए। तो सब्ज़ी फ्रेंड्स रेडी हो चुकी है, इसमें मैंने गरम मसाला अमचूर कुछ भी नहीं डाला है, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। तो गैस को मैं ऑफ़ कर देती हूँ और सब्ज़ी को डिश आउट कर लेती हूँ। तो ये देखिए सब्ज़ी को मैंने डिश आउट कर लिया है और जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनी है, काफ़ी टेस्टी है सब्ज़ी फ्रेंड्स। आप इसको सिंपल चपाती, इस पराठे सभी के साथ खा सकते हैं, और बारिश के दिनों में अगर आप किसी छोटी मोटी जर्नी पे जा रहे हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप साथ में इस हेल्दी सब्ज़ी को लेके जाएं, क्योंकि बारिश के दिनों में बाहर का खाना यानी कि कई बीमारियों को दावत देना, तो उससे तो अच्छा है कि हमारी बहुत सारे गुणों से भरपूर इस सब्ज़ी को लेके जाइए, साथ में पराठे लेके जाइए, तो आपकी जर्नी काफ़ी हैप्पी हो जाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको ये मैंने आज बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी बनाकर दिखाई है, आप इसको ज़रूर बनाइए खाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।